The theorem says at all point of the field of flow, आप पूरे फ्लो के अंदर सभी पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि जब हम उन पॉइंट्स पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे वो क्या करेगा, कट ऑर्थोगोनली होगा बाय स्ट्रीमलाइन। मतलब स्ट्रीमलाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों क्या होते हैं, आपके परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमें दिखाना है। इक्विपोटेंशियल का क्या मीनिंग है यहाँ पे, जब आपका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट हो जाए, फाइव जिसको आपने पोटेंशियल फंक्शन बोला था वो क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट, मतलब हर जगह पे इक्वल है पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, पाई क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और स्ट्रीम लाइन आपने देखा, ये स्ट्रीम लाइन कैसे बनती है, क्यू क्रॉस डी आर इज इक्वल टू जीरो से, इसी इक्वेशन से बनी थी। तो स्ट्रीम लाइन बेसिकली किससे रिप्रेजेंट होता है, वेलोसिटी से, फ्लो को ही रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन इज द लाइन ऑफ फ्लो। अगर कोई आपसे कभी पेपर में बाय चांस ये भी पूछ लेता लाइन ऑफ फ्लो डिस्क्राइब करो, तो लाइन ऑफ फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन को बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। स्ट्रीम लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ फ्लो। अगर फ्लो लाइंस बोलते हैं तो स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन तीनों आएंगे अगर फ्लो लाइंस बोलते हैं। लेकिन अगर लाइन ऑफ फ्लो की बात हो रही है तो क्या बनेगी, सिर्फ स्ट्रीम लाइन बनेगी, ठीक। तो स्ट्रीम लाइन को हम क्यू से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्शन जो क्यू के अलॉन्ग हो गई है। और इक्विपोटेंशियल क्या होता है, फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमें इन दोनों सर्फेस को क्या दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है। इट मीन मुझे ये शो करना है कि जो ये वाला सर्फेस आपका फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस सर्फेस की इस सर्फेस के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, जीरो। ऑर्थोगोनल यही होता है मेरी, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये तो आपको पता है ना हमेशा कि नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता है, ऑलवेज ट्रू है। वहां से मुझे एक चीज तो पता है, मेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होती है, डी एक्स बाई यू, डी वाई बाई वी, डी जेड बाई डब्ल्यू। ये जो यू वी डब्ल्यू आपके कंपोनेंट हो गए, ठीक है, वेलोसिटी के। अब एक सरफेस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके जो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ऐसी इक्वेशन लगभग लगभग नॉर्मल की आती है बाय वाली, अगर आपने देखी हो। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन बनाते हैं तो क्या बनती है, याद है किसी को, मतलब इसी के परपेंडिकुलर अगर मुझे एक इक्वेशन लिखनी है, टेंजेंट में क्या होता है, डायरेक्शन रेशो साथ में ही आ जाते हैं, ये वाली लिख सकते। मतलब जो ये वाला सरफेस है, ये सरफेस पक्का इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल को रिप्रेजेंट करे तो कहीं ना कहीं टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। हमेशा ये दोनों सरफेस क्या होते हैं, आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक सरफेस को तो मैं ये दिखा दूं कि वो स्ट्रीम लाइन है, और एक सरफेस को ये दिखा दूं कि वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ऑटोमेटिकली काम पूरा हो जाएगा हमारा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो स्ट्रीम लाइन है ही है, नो डाउट, इक्वेशन उसी की। तो यहाँ पे कहीं हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कि जो इसका सोल्यूशन आएगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। वैसे भी देखो ये जर्नल ट्रू है या नहीं है, ये क्या है जो मैंने लिखा है, क्यू की डॉट प्रोडक्ट डी आर के साथ, यही डॉट प्रोडक्ट किया हमने डी आर के साथ, तभी तो बना क्यू का होता है यू वी डब्ल्यू, और डी आर का डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यू इंटू डी एक्स वी इंटू डी वाई। अगर आपको ध्यान हो हमने स्ट्रीम लाइन के प्रोलरी में पढ़ी थी बात, कि अगर हम वेलोसिटी को परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन को साइंस देखना चाहेंगे टेंजेंट के, तो हमेशा क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि स्ट्रीम लाइन में सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, अलोंग दी टेंजेंट। तो अगर आप क्यू डॉट डी आर निकालते हो क्या रहता है, जीरो रहता है। ये हमने क्रोलरी में पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे लिखा कि इसका मीनिंग वही आ रहा है हमारा, क्या मीनिंग है इसका, कि जो वेलोसिटी है इज एट राइट एंगल टू टेंजेंट, डी आर टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू वेलोसिटी, ठीक है। तो इट मीन्स जो यहाँ से सरफेस मैंने ये फर्स्ट वाला लिखा था और जो सेकेंड वाला सरफेस लिखा है, दोनों ऑब्वियसली क्या है हमारे, परपेंडिकुलर। हमने इन दोनों सरफेस को ही परपेंडिकुलर बोला, लेकिन हमारा काम क्या था, हमें स्ट्रीम लाइन को इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाना। तो स्ट्रीम लाइन तो आ गया, इस सरफेस को मैं क्या प्रूव कर दूं, इक्विपोटेंशियल, तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। कुछ याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस में फाई जब हमने निकाला था, फाई हमने कैसे निकाला था, क्या था हमारा, ये फाई को निकालने का हमारे पास इक्वेशन थी, जहां से हमने फाई निकालना स्टार्ट किया था, वेयर फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल।
अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, जो ये वाली हमारे पास इक्वेशन है और जो इक्वेशन हमें चेंज करनी है ये वाली सेकंड, दोनों में कितना डिफरेंस है? अगर मैं जीरो है। कंपेयर करूं दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड जीरो के इक्वल है एक में, एक में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस डी फाइव, -d5 तो तो दोनों -d5 आपस में क्या हो से। जाएंगे इक्वल? यहाँ से क्या आ जाएगा सेकंड का, अगर मुझे सोल्यूशन निकालना है दोनों से मिला के क्या बन रहा है, डी फाइव इज इक्वल टू जीरो। दोनों से कंपेयर कर दे, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, विच इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। बीच में एक स्टेप जो इन्होंने एक्स्ट्रा किया हुआ है वो जस्ट फाई के बारे में थ्योरी बता रखी है कि फाई हमारा कहाँ से निकला था, जो हमने ये लिखा है ना इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन थी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या थी, यू इज इक्वल टू माइनस कर्ली फाई बाय कर्ली एच, वी इज इक्वल टू माइनस कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, माइनस कर्ली फाई बाय कर्ली जेड, वेयर कर्ल क्यू हमने निकाला था, कैसे निकाला था, डेल क्रॉस डेल फाई माइनस का डेल स्केयर फाई विच इज जीरो, ये हमने निकाला था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस इसी के साथ हमने अटैच किया ताकि थोड़ा सा हमें ये मिले कि हाँ वेलोसिटी पोटेंशियल की ही बात करें। ठीक है, तो सिंपल सा था अपने पास, अगर हम ध्यान से देखें हमें प्रूफ करना था स्ट्रीम लाइन इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। स्ट्रीम लाइन हम लेके चले, एक सरफेस लिया जो उसी के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अभी हमने उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल नहीं दिखाया, तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल दिखाने के लिए मैं पोटेंशियल फंक्शन लेके आई थ्योरी से। मेरे पास थ्योरी ये कहती थी कि डी फाई इज इक्वल टू माइनस डी फाई इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी। उस थ्योरी से जब हमने कंपेयर किया हमारी सेकेंड इक्वेशन को तो डी फाई इज इक्वल टू जीरो बन गया, विच गिव्स फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड इज पोटेंशियल सर्फेस। जो सेकेंड है वो इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, फर्स्ट क्या है स्ट्रीम लाइन है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर सर्फेस है ही, तो इट मीन स्ट्रीम लाइन आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस। पढ़ लो एक बार थ्योरम को देख लेना। हम स्टार्ट करेंगे कि वोर्टिसिटी क्या है, वोर्टिसिटी वेक्टर अब आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जैसे वेलोसिटी वेक्टर होता था ऐसे कुछ हमारे पास वोर्टिसिटी वेक्टर भी है। वेक्टर अगर नाम से देखो तो कुछ ना कुछ वोर्टेक्स से कनेक्टेड है, वोर्टेक्स लाइंस, कभी वोर्टेक्स के बारे में सुना है, कुछ नहीं सुना है। ठीक है, तो जिस जिस में कर्ल क्यू निकाला जा सकता, वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी आप कर्ल निकाल ही सकते हैं, उसका कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाई होता है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जब हम